हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेटलेस एंड स्टेटफुल के बारे में। आपको पता ही है कि AWS में सिक्योरिटी ग्रुप स्टेटफुल फायरवॉल का काम करता है और नेटवर्क ACL स्टेटलेस का। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें ये नहीं पता है कि स्टेटफुल और स्टेटलेस में क्या प्रॉब्लम है। मैंने ऑलरेडी स्टेटफुल एक अगले वीडियो में जब मैंने सिक्योरिटी ग्रुप समझाया था तब ऑलरेडी इसको क्लियर किया था, बट लेट्स अंडरस्टैंड दिस अगेन। और मैं इस बार बहुत ही ईजी वे से आपको समझाना चाहूँगा यूजिंग दिस पिक्चर्स। देखिए यहाँ पे ये जो है राइट, इट इज लाइक अ फायरवॉल। ओके, अब इस पर्टिकुलर फायरवॉल में, कोई भी फायरवॉल में, देर आर टू थिंग्स। एक होता है इनबाउंड रूल राइट, एक होता है आउटबाउंड। अब ये स्टेटफुल में देखो या स्टेटलेस में, इनबाउंड और आउटबाउंड तो है राइट। अब यहां पे हमें ये देखना है कि कनेक्शन कहां से एस्टैब्लिश होता है। ओके, तो देखिए यहां पे ये है इंटरनेट, इन दोनों केस ये है इंटरनेट। जब आप इंटरनेट से कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हो टावर्स योर EC2 इंस्टेंस, ओके, उस टाइम पे हमें इनबाउंड रूल में अलाउड होना चाहिए। जैसे अगर मेरा EC2 इंस्टेंस है वो वेब सर्वर है और आप इंटरनेट में से रिक्वेस्ट भेज रहे हो मेरे EC2 इंस्टेंस को, तब मेरे सिक्योरिटी ग्रुप में या तो मेरे नेटवर्क ACL में इनबाउंड पोर्ट में पोर्ट नंबर 80 अलाउड होना चाहिए। ये स्टेटलेस के लिए भी सही है और स्टेटफुल के लिए भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिफरेंस भी नहीं है। इनबाउंड रूल अलाउड होना चाहिए व्हेन यू आर इनिशिएटिंग द कनेक्शन फ्रॉम इंटरनेट टू EC2 इंस्टेंस। नाउ अब हम दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं जहां पे आपको पता चलेगा कि स्टेटफुल और स्टेटलेस में क्या डिफरेंस है। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू चेंज दिस पिक्चर एंड लुक एट दिस। अगर इस पिक्चर में आप देखोगे तो हमने रिक्वेस्ट इनिशिएटेड बाय EC2 इंस्टेंस, रिक्वेस्ट इनिशिएटेड बाय EC2 इंस्टेंस, ये स्टेटलेस फायरवॉल है, ये स्टेटफुल फायरवॉल है। अब देखिए जब आप स्टेटलेस में से EC2 इंस्टेंस में से इंटरनेट पे कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हो या आउटसाइड नेटवर्क पे कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हो, और जब वो रिक्वेस्ट वापस आता है यानी कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजा इट इज कमिंग बैक, ओके, इट इज रिक्वेस्ट एंड इट इज रिप्लाई। नाउ जब वो रिप्लाई होता है तब भी आपको यहाँ पे इनबाउंड रूल अलाउड होना चाहिए कि ये जो ट्रैफिक वापस आ रहा है उसको भी अलाउड करना पड़ेगा, विच इज वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पे स्टेटलेस के अंदर जो ट्रैफिक EC2 इंस्टेंस में से आपने इनिशिएट किया एक्सटर्नल नेटवर्क को, वो ट्रैफिक जब रिप्लाई आएगा तब भी आपको इनेबल करना पड़ेगा इन द स्टेटलेस फायरवॉल। बट इफ यू हैव स्टेटफुल फायरवॉल, जो रिक्वेस्ट आपने EC2 इंस्टेंस से इनिशिएट की है वही रिक्वेस्ट जब वापस आएगी तो आपको कोई भी इनबाउंड रूल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह है स्टेटलेस फायरवॉल एंड स्टेटफुल फायरवॉल। और यहां पे जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो मेन डिफरेंस होता है। कोई भी लेटेस्ट फायरवॉल जो होता है वो स्टेटफुल होता है, और स्टेटफुल का फायदा यह है कि जो रिक्वेस्ट आप इनिशिएट करते हो उसके लिए आपको इनबाउंड रूल डालने की जरूरत नहीं है। यस, आउटबाउंड रूल होना चाहिए, ये दोनों में है, पर इनबाउंड रूल का नहीं होगा। इसके कारण फायदा ये होगा कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। लेटेस्ट जनरेशन फायरवॉल सभी स्टेटफुल है, जबकि हम बात करें सिक्योरिटी ग्रुप की तो स्टेटफुल है, NACL नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट स्टेटलेस है, इसीलिए हम नेटवर्क ACL को बहुत ही कम यूज़ करते हैं। तो बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी
आपको कोई भी क्वेश्चन है, हम आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है। आप सिर्फ कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई कर देंगे और आप हमें कॉल और ईमेल तो कर ही सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।